हेलो फ्रेंड्स, आपका एडिटिव क्रोचेट एंड नीटर क्रिएशन में स्वागत है। आज मैं आपको तोरण का ये फ्लावर कैसे बना है उसे बताने जा रही हूँ। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, और इसे मैंने सेमी सर्कल पे बनाया है। ऐसे मैंने इस तरह के सेमी सर्कल का यूज़ करके बहुत सारे तोरण फ्लावर बनाए हैं जो हमारे चैनल पर अपलोड है। तो आप इसके अलावा और भी तरह तरह के फ्लावर को देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो पे मैं यहाँ तक ये बताने वाली हूँ कि इसे कैसे बनाया गया है। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे यह तीन कलर का यूज़ किया है, ग्रीन, ऑरेंज और वाइट। और इस पर हमने यह 7 नंबर की क्रोशिया ली है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए ये ग्रीन का ऊल लेंगे और इस तरह से टर्न करेंगे, क्रोशिया को अंदर डालेंगे और फिर इस तरह का हुक बनाएंगे। 1 2 3 3 का चैन बनाया, फिर अगेन सेम रिंग वाले हॉल पे हमें बनाने हैं। इस तरह से हमने 2 बनाया, इसे काउंट करके 2 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, अगेन 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया, ये फंदे थोड़े से ये हो गए हैं इसलिए इसे मैं दोबारा ले लेती हूँ। 7 डबल क्रोशिया, एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 8 डबल क्रोशिया इसे बना लेंगे। और ये जो धागे हैं ना, इसे थोड़े से इस तरह से टाइट कर लें, खूब ज़्यादा इसे नहीं टाइट करने हैं, इतने तक रखने हैं। अब हमें 1 2 3 फंदे लेने हैं, ऐसे टर्न करने हैं। और इस पर हमें जिस जैसे कि ये फर्स्ट हुक है इस पर भी बनाया तो ये 2 डबल क्रोशिया हुआ। अगेन जो है नेक्स्ट पे भी हमने 1 बनाया, फिर सेम हुक पे डबल बनाने, यानी यह सेकेंड रो जो है ना, प्रत्येक हुक पे डबल 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 क्रोशिया बना लेने हैं। इस तरह से सेकंड राउंड कंप्लीट कर लेंगे और इस पर इस तरह से यहाँ देखेंगे हमने सेकंड राउंड कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट रो पे 8, सेकंड पे 16। अब थर्ड रो का जो है मैं रेशियो बता देती हूँ। जैसे ये चैन लिए और फिर इसी हुक पे हमने डबल क्रोशिया बनाया तो यह एक हुक पे 2 डबल क्रोशिया बना। अब नेक्स्ट हुक पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 बनाया और फिर नेक्स्ट पे जो है ना डबल डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि इस पे 2:1 का रेशियो करते हुए हमें थर्ड रो बनाने हैं। यहाँ देखेंगे 2 बनाया, 1 2, इस तरह से ये थर्ड रो पूरा करेंगे। ठीक उसी तरह फोर्थ में 2 इस पे बनेगा और अगेन यहाँ पे 1 1 डबल क्रोशिया बनेंगे, उसके बाद फिर 2 डबल क्रोशिया बनेगा। यानी जैसे जैसे हम रो बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये बीच के का जो डबल क्रोशिया का है, फर्स्ट में तो 2 रहेगा और नेक्स्ट जो जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे यहाँ फंदे बढ़ेंगे। जैसे इस रो में यानी थर्ड रो में 2 का डबल क्रोशिया हुआ, अगेन 2 डबल डबल क्रोशिया बनाएंगे। फोर्थ रो पे फिर क्या होगा ना कि ये 2 बनेगा यहाँ पे और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे अलग अलग, फिर 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 का बनाएंगे। इस तरह से ही 3 4 5 6 7 8 जितने सारे रो बनाने हैं इस ये रेशियो से हम बना लेंगे। जैसे कि यहाँ देखेंगे यहाँ पे हमने 1 2 3 4 फिफ्थ रो बनाया है, तो फिफ्थ रो पे हमें फंदे देखने होंगे कि हमने कितने बनाए हैं। फिफ्थ रो पे देखें 1 2, उसके बाद 1 1 1 डबल डबल क्रोशिया, फिर 1 1 1 डबल डबल क्रोशिया। इस तरह से इसे एक खास दूरी तक बना लेने हैं। मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। इस पे फ्लावर कैसे बनाने हैं उसे बताने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे वाइट ऊल लिया है और इसे इस साइड से यानी कि यह लेफ्ट तरफ से स्टार्ट करेंगे। इसे स्टार्ट करने के लिए यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 जो डबल क्रोशिया है, 7 डबल क्रोशिया के ठीक नीचे 1 रो 2 रो एंड 3 रो, इस 3 रो के इस सेंटर से
यहाँ देखेंगे इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे, 3 रो पे हमने डाला और इस पे हमें वाइट वूल लगाने हैं। सबसे पहले इस पे एक इस तरह से नोट लगा लेंगे और फिर इसे इसके अंदर से निकालेंगे, और निकालने के साथ इस पे हमें 1 2 3 3 का चैन बनाया, और फिर इसी हुक पे यानी जिससे हमने इसे निकाला, इसे मैं पीछे की ओर कर देती हूँ ताकि बाद में इसे कट कर दिया जाएगा। ये देखिए अब इसी हुक पे यानी जिस पे हमने डाला था इसी पे अगेन जो है डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया अगेन सेम हुक पे, यानी कि सेम हुक से हमें इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ देखेंगे हमने 3 बनाया और 1 बनाने हैं, तो यहाँ देखेंगे हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इस पर 1 2 3 का चैन बनाना है और इसे टर्न करने हैं। अब इसी के ऊपर हमें बनाने हैं, इसके ऊपर बनाने के लिए इस हॉल पे यानी जस्ट बगल वाले हॉल पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो 1 1 2 हो गया, 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, और यह जो है नेक्स्ट हुक पे डबल बनाने हैं, ये 5 बनाया और फिर 1 अगेन बना लेने हैं, 6 बनाया। इस तरह से फर्स्ट पे 4, सेकंड पे 6, अगेन 1 2 3 का चैन लेंगे, फिर टर्न लेंगे, टर्न लेने के साथ फिर नेक्स्ट हुक पे इस पे इस हुक पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं, डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट हुक पे यानी 3 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट पे 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, और लास्ट पे जो है ना हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने लेने हैं। ये देखिए लास्ट हुक पे 1 बनाया यानी 7 डबल क्रोशिया अगेन इस पे बनाने हैं। तो इस तरह से यह हमारा 3rd रो कंप्लीट हुआ, जो ये देखिए इस तरह से हो गया। 3rd रो कंप्लीट होने के बाद 4 6 8, अब यहाँ जो है यहाँ देखेंगे इसे हम इस तरह से बैक कर लेंगे, और ठीक इसके कॉर्नर पे, इसके जो कॉर्नर है इस कॉर्नर पे हमें फंदे को लेते हुए इस तरह से इसके लास्ट कॉर्नर का 1 लीव करेंगे, और इस पे यहाँ पे इस तरह से फंदे को निकालेंगे, और यहाँ जो इस तरह से देखेंगे ये जॉइंट हुआ, इस पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 डबल क्रोशिया अगेन सेम हुक पे बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया अगेन इस पे बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमने ये लास्ट हुक पे 3 डबल क्रोशिया बनाया। अब इस पे 1 2 3 का चैन लेंगे, और फिर यह जो पार्ट है ना इसको हम मैप करेंगे। ये देखिए इस तरह से मापने के बाद ये लास्ट आ रहा है इस पे यानी कि इस रो पे, तो हमें इस पे अभी इसके साथ में स्टिच नहीं करने हैं, इसे हटा देने हैं, और इससे हमें सेम 3 डबल क्रोशिया सेम हुक पे बना लेने हैं, 1 फिर इस पे 2 और लास्ट 3, 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इधर आएंगे, अब यह जो हुक है ना यानी लास्ट का कॉर्नर है ना इस पे हमें इस तरह से फंदे को डालेंगे, और इस पे हमें स्लिप स्टिच करना है, इस तरह से स्लिप स्टिच हुआ, 1 स्लिप स्टिच, अगेन इस पे स्लिप स्टिच करेंगे, 2, नेक्स्ट हुक पे आएंगे और फिर 3, फिर नेक्स्ट हुक पे आएंगे 4, इस तरह से हमने इस पे 4 यानी कि यह सेंटर पे हम आ गए। अब यहाँ पे क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 चैन लेने हैं, 6 चैन लेने के बाद ठीक इसके बाद वाले हुक पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है, 1 फिर नेक्स्ट हुक पे आएंगे, 2 फिर नेक्स्ट हुक पे आएंगे,
थ्री, और यहाँ देखेंगे यह भी जो एक हुक है गैप वाला, इस पर भी आएंगे फोर, फिर नेक्स्ट हुक पे इस पर फाइव, फिर इस पर सिक्स आ गया। अब इधर आएंगे इस हॉल पे, इस हॉल पे हमें फोर डबल क्रोशिया बनाने हैं, वन टू थ्री और फिर फोर। इस पे हमने वन वन बनाते हुए यहाँ पे फोर बनाया। अब फिर यह थ्री का है, यानी इस थ्री पे हमें थ्री हुक पे थ्री बना लेने हैं। देखेंगे एक इस पे बनेगा लास्ट पे, वन टू टू बनाया और ये थ्री, और फिर यहाँ यहाँ देखेंगे ये जॉइंट है, इस पे भी बना लेंगे फोर। अब इधर आएंगे यहाँ देखेंगे हमने यहाँ तक आना है, तो इसे फोर बनाने के बाद फिर नेक्स्ट हुक पे भी जो फोर डबल क्रोशिया है उसके ऊपर भी हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये बना वन, फिर नेक्स्ट बना इस पे भी बना लेने हैं, टू हो गया, इस पे थ्री बना लेने हैं, थ्री हो गया, और लास्ट जो बचा ये फोर बचा, इस पे इस तरह से बना लेने हैं। अब यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद अब ये देखिए सेंटर पे आ गए हैं, तो ये हमें टर्न लेंगे। टर्न लेने के लिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स का चैन बनाया और इसे यहाँ से टर्न ले लेंगे। टर्न लेने के बाद फिर एक हुक को छोड़कर नेक्स्ट हुक पे डबल क्रोशिया, वन नेक्स्ट पे टू, टू बनाया नेक्स्ट पे थ्री, अगेन नेक्स्ट पे फोर, इस तरह से फोर बनाया। अब इस पे थ्री चैन, वन टू थ्री, थ्री चैन बनाया। अब इसके नेक्स्ट हुक पे हमें अगेन फोर चैन बनाने हैं, वन टू थ्री फोर फोर, इस तरह से अगेन वन टू थ्री का चैन लेंगे और फिर नेक्स्ट हुक पे बनाएंगे। इस तरह से हमें क्या है ना कि लूप तैयार कर लेना है। इस तरह से यहाँ देखेंगे हमने वन टू थ्री फोर्थ फिफ्थ, फोर्थ रो पे आ गए, फोर्थ लूप बना है, लास्ट लूप बनाएंगे वन टू थ्री, और यह जो है ना हुक इस पे हमें इस तरह से बना लेना है। देखिए इस तरह से हमें वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव लूप तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है ना, यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए हमें इधर आने हैं। देखेंगे यहाँ पे टू, सॉरी इस पे जो है ना सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम आने होंगे इस तरह से, टू थ्री फोर फाइव, फाइव बना लिए। अब यहाँ हमें वन टू थ्री, थ्री का चैन लेंगे और इसके इस पे आके इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच के साथ देखिए स्लिप स्टिच करेंगे, स्लिप स्टिच के साथ अब इस हॉल पे आके हमें क्या करने हैं, सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। हम देंगे यहाँ पे हमने यहाँ से जो इस लूप पे आए, अब लूप पे आने के बाद इधर देखेंगे बैक साइड पे वन टू थ्री फोर, फोर के बाद ये फाइव जो फंदे हैं ना उस फंदे से ऐसे हमें निकालने हैं, इस तरह से इसमें लगे हुए रहेंगे और फिर फंदे को लेंगे और इससे ऐसे करके स्लिप करते हुए इसे स्टिच करेंगे, तो यह कुछ इस तरह से ये स्टिच हो जाएगा यहाँ का लूप। अभी इस लूप पे हमें डबल क्रोशिया से बनाने हैं, फोर डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया,
थ्री डबल क्रॉस या फोर डबल क्रॉस या। यहाँ पे देखेंगे हमने फोर डबल क्रॉस या बनाया। अब इस फोर डबल क्रॉस या के बाद वन टू थ्री का चेन बनाएंगे और इस डबल क्रॉस या का जो दो हुक है यहाँ फिर से देख लेंगे। ये डबल क्रोशिया का जो हुक है लास्ट हुक पे इस तरह से क्रोशिया को इंटर कराएंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे, तो ये इस तरह का लूप टाइप का तैयार हो जाएगा। अगेन इसी पर हमें फोर टाइम्स डबल क्रोशिया बनाने हैं, वन टू थ्री फोर। यहाँ देखें तो ये कुछ इस तरह से बन गया। अब इसका जो ये फोर डबल क्रोशिया है उसके सेंटर पे आएंगे, ये सेंटर ये होगा, इससे हमें स्लिप स्टिच करने हैं। अब नेक्स्ट फिर हॉल पे जाएंगे, इस हॉल पे जाकर सेम ये जो है इसे बनाने हैं पेटल को इस तरह से, वन टू थ्री फोर, फोर बना वन टू थ्री का चैन, फिर इस पर डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। अगेन जो वन टू थ्री एंड फोर बनाया और फिर इसी फोर जो है उसके इस सेंटर पे आएंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से हमें क्या है ना वन टू थ्री फोर फाइव तक बना लेने हैं। मैं बना लेती हूँ फिर दिखा। अब यहाँ देखेंगे हमने यह फाइव किनारे का कंप्लीट कर लिया है। ये लास्ट इसे जो है यहाँ पे हमने जो फोर सिंगल क्रोशिया बनाया था वन टू थ्री फोर इसके सेंटर पे लाएंगे इसे और इसे सेंटर का नहीं ये लास्ट वाले हुक पे आएंगे इस पर और इस पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो यह कुछ इस तरह से फ्लावर तैयार हो गया है। तो इस तरह से यहाँ कट कर लेंगे। यहाँ देखेंगे इसे कट करने से पहले यह बैक आएंगे इस तरफ से और इस पर वन टू का ये लास्ट कॉर्नर से इससे इसे स्लिप स्टिच इधर की ओर कर लेंगे और इसे सिंगल क्रोशिया से स्टिच कर देंगे और इसे कट कर लेंगे। देखिए तो ये कुछ किनारे तरफ इस तरह से यह फ्लावर का स्टिच हो गया। अब नेक्स्ट जो बनाएंगे ये हमने सिक्स इधर और सिक्स इधर यानी ट्वेल्व के डबल क्रोशिया को का यह अल्टरनेट करके बनेगा। यानी अब हमें दूसरा फ्लावर बनाना होगा तो सिक्स सिक्स डिवाइड कर देंगे और बीच का जो सेंटर होगा उससे हमें ये फ्लावर को जैसे नेक्स्ट फ्लावर ट्वेल्व के रेशियो पे बनाने हैं। इस तरह से करते हुए हम टोटल फ्लावर को बनाएंगे। इसका आगे का प्रोसेस और क्या होगा इसके अंदर का वो मैं बता देती हूँ। अब मैं इस पर ऑरेंज कलर का अंदर से थोड़ा सा फिनिशिंग टच देना चाहती हूँ जो कुछ इस तरह से बनाने होंगे। यह जो सेंटर का ये ग्रीन पार्ट जो है यहाँ देख रहे हैं इस ग्रीन पार्ट के इस सेंटर से हमें इस तरह से फंदे लेने हैं और इसे लेने के लिए इससे पहले हुक बनाएंगे एक और हुक बनाकर इस सेंटर से ऐसे निकालेंगे और यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन इसे देख लेंगे। ये इस तरह से यहाँ तक एलेवन तक बनाएंगे और फिर इस पर नेक्स्ट हुक पे अब यहाँ पे जो है इस तरह से लेंगे और इस पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फंदे को निकालेंगे, ये हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर सेम हुक पे इस तरह से सिंगल डबल क्रोशिया बनाया और फिर प्रत्येक हुक पे जो है ना स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए इस हुक पे आएंगे इस तरह से स्लिप स्टिच, नेक्स्ट हुक पे आएंगे इस तरह से स्लिप स्टिच, यानी प्रत्येक हुक पे स्लिप स्टिच करते हुए हमें नीचे आने हैं इस तरह से। इस तरह से पूरी रो कंप्लीट करना है। इस तरह से ये देखेंगे यहाँ एंड हो गया।
अब ये लास्ट हुक जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी हुक पे फिर से स्लिप स्टिच करके इसे कट कर देंगे। तो ये हमारा एक इस तरह का तैयार होगा। इसी तरह से हमें दूसरे 3, 4, 5, 6 बना लेने हैं। इसमें अदर कलर का भी यूज हम कर सकते हैं। मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब यहाँ देखेंगे हमने ये 11th में बनाया था। अगेन इस पे लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30। इस बार हमने इस पे 30 चैन लिए हैं और 30 चैन पे हमें बना लेने हैं इस तरह से। मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। यहाँ देखेंगे हमने यह सेंटर पर का बना लिया है। ये हमने 13 चैन पे, यह 11 चैन पे, ये भी 11 चैन पे, इसे भी 11, ऐसे 9 चैन पे। तो इस तरह से इसे बना लेने के बाद ये कुछ इस तरह का फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह हमें 6:12 के रेशियो पर नेक्स्ट जो हमें तैयार करने होंगे उसे हमें यहाँ से काउंट करेंगे। इससे 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स का ये थर्ड यहाँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और इधर से स्टार्ट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस पे। तो इस पे हमें इस तरह से फंदे को यहाँ से लेंगे और फिर नेक्स्ट जो है स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट वाले को बनाया ठीक उसी तरह से लेंगे। फिर इस पे 1, 2, 3 का चैन बनाएंगे और फिर सेम हुक से 3 डबल क्रॉस या अगेन बनाएंगे। 2 बनाया और 2 बनाने हैं। थ्री एंड फोर इस तरह से 4 बनाया। फिर इसके ऊपर हमें जैसे हमने सेकंड राउंड पे 6, 8 बनाने हैं उस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेना। इस तरह से यहाँ देखेंगे हमने ये थर्ड रो 1, 2, 3 बना लिया। अब फिर इसे इस तरह स्टिच करेंगे और जिस तरह से इसे हमने बनाया है उसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखेंगे यहाँ हमने यह दूसरा फ्लावर को कंप्लीट किया है। तो जैसा कि यह फर्स्ट हमने जैसे इस पर बनाया है सेम बनाने हैं। और फिर ज़रा सा मैं यहाँ बता देना चाहूँगी कि ये देखिए ये कंप्लीट होने के बाद ये फ्लावर का लास्ट फ्लावर है जो कंप्लीट होने के बाद अब हमें स्टिच करने हैं। जैसा कि इसमें हमने साइड में स्टिच किया था इसीलिए ठीक यहाँ पे हमें अब स्टिच करने हैं। स्टिच करने के लिए इस तरह से हम मिला के भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ना यहाँ पर ये जो कम्प्लीट हुआ है मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। यहाँ पर आने हैं हमें और इस पर स्लिप स्टिच करना है। अब हमें यहाँ सेट करने हैं थोड़ा सा कि इसे ये देखिए ये यहाँ पे आ रहा है तो इसका जो इसका टिप इस तरह से बराबर पे आएगा। इस तरह से आने के बाद तो ये हमारा क्या है ना कि ये हमारा सेट हो रहा है इस पे। मैं एक बार फिर से इसे दिखाना चाहूँगी। ये देखिए इसका और इसका टिप सामने आया तो यह जो सेट हमारा होने वाला है यहाँ देखेंगे इस पे होने वाला है यानी कि ये इसके नीचे। तो हमें क्या करना है ना कि इस तरह से क्रॉसिया को इस तरह से डालेंगे और इस तरह से डालने के बाद इस पे हमें इसे लेने हैं और ये थोड़ा सा उल्टा हो रहा है तो इसी धागे को ऊपर की ओर रखेंगे इस तरह से और फिर इसे इसे थोड़ा सा धागे को टाइट करेंगे और फिर इससे निकालेंगे और इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। तो यह हमारा फ्लावर का कंप्लीट सेट हो जाएगा। ये देखिए तो इस तरह से कंप्लीट कर लिया। इसे कट कर लेंगे तो ये इस तरह से एक पूरे रो में बना लेने हैं और यह जो है इसे सजा लेने हैं। मैं पूरी कंप्लीट करके इसे दिखाती हूँ कि यह पूरा हाफ सर्कल कैसा बन के फ्लावर होता है। यहाँ देखेंगे हमने यह फ्लावर कंप्लीट कर लिया है जो कि इस पे इस सेमी सर्कल पे ये 4 फ्लावर एडजस्ट हुआ है। आप यदि इसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो उस 12 का रेशियो में लेते हुए आप इसे बना सकते हैं। यहाँ मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है और इसके यहाँ सेंटर पे इस तरह के
एक छोटा सा फ्लावर को भी बनाया है जो यहाँ पे हमें स्टिच करने हैं, और साथ में इसमें क्या है ना कि थोड़े से पर्ल्स जैसे मैं डेकोरेट करने वाली हूँ। यहाँ पर इस तरह से लिया है और एक थोड़ा बड़ा सा इसे स्टिच करने हैं, और फिर कुछ को इस रो पे हमें सजाने हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसे पर्ल से सजा लेने हैं, यानी कि स्टिच कर लेने हैं। आप इसे 1, 2, 3 या फिर पूरे यहाँ से भी इस तरह से सजा सकते हैं। तो इस तरह इसे हमें कंप्लीट कर लेना है, और किसी भी डिज़ाइन का तोरण पट्टी पे इसे स्टिच करेंगे। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमने यह तोरण पट्टी बनाई है जो हमारे चैनल पर अपलोड है, तो मैं इसी तोरण पट्टी पर इसे स्टिच करने वाली हूँ। तो इसे स्टिच करने से पहले मैं इसे पर्ल से पहले सजा लेती हूँ। इस तरह से यहाँ देखेंगे, हमने यह पर्ल लगा लिया। पर्ल स्टिच होने के बाद यह कुछ इस तरह से दिखेगा, और फिर जैसा मैंने कहा कि यह तोरण पट्टी जो है इस पर हमें स्टिच करने हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो पर इसे स्टिच कैसे करने हैं उसके बारे में बताऊंगी।